महंगा कितनी जो चीज लास्ट टाइम 6 रुपए की थी इस बार 10 रुपए मैं दृष्टि ले लेती हूँ ये फर्स्ट लिया फटाका व्यापारी दुकान नंबर 1 स्टेडियम आदर्श स्टेडियम में जिला प्रशासन के द्वारा 94 दुकानों का आवंटन किया गया है। हर साल लगभग 7 दिन हमको दिए जाते हैं, इस बार बड़ी मुश्किल से इस कोरोना काल में गवर्नमेंट ने हमको 4 दिन दिए हैं। 4 दिन में माहौल इतना ठंडा है कि कोई भी ग्राहक बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो अभी 2 साल ये कोरोना के निकले हैं उसका भी प्रभाव है, प्लस बाज़ार में इस बार लोगों की जेब में पैसा नहीं होने की वजह से भी मंदी का भी बहुत असर है। मगर फिर भी पहले हमको जब बाज़ार में लाइसेंस मिलते थे, हमारे परमानेंट लाइसेंस वाले हम हैं, और उसके बाद में जब बाज़ार में जब लाइसेंस मिलते थे हम 20 दिन उसका व्यापार करते थे, तो हमको छोटे छोटे हर ग्राहक हमको मिलता था। यहाँ आने के बाद में और इस कोरोना की मंदी की वजह से बाज़ार में यहाँ ग्राहक स्टेडियम में बहुत कम हो गया है। 94 दुकानों के बाद में भी 68 लोगों ने यहाँ पैसे भरे हैं और 68 दुकानें यहाँ पर अभी लगी हुई है। फिर भी इस पैसे को देखते हुए कि भाई उम्मीद करते हैं कि आगे 4 दिन 3 दिन हमारे पास जो है उसमें अच्छा व्यापार होने की उम्मीद करते हैं भाई, कि हमारा भी काम चल जाए और गवर्नमेंट हमारा सहयोग करते हुए हमको इस कार्यक्रम को व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आपको लगता है कि जैसे स्टॉक है उसके मुकाबले ग्राहकी हो पाएगी? स्टॉक इस बार हर आदमी के पास कम ही है, हर आदमी डरता हुआ बाज़ार, सब समझते हैं अभी कि व्यापार बाज़ार में कम होने की उम्मीद है, इसलिए लोग जितना गत वर्ष की या उससे गत वर्ष की जो अपेक्षा अनुसार माल लोग कम ही लाए हैं, मार्केट में माल नहीं है साहब, जो वेराइटियाँ जो चाहिए वो है नहीं बाज़ार में, क्योंकि गत वर्ष जब मार्केट बंद रहा तो इस वर्ष बाज़ार में जो वेराइटियाँ नहीं आनी चाहिए थी वो नहीं आई है।